जो सेंटर दिया जाता है दोस्तों, वो पहले जो मरता है उसको दिया जाता है, तो उससे अंदाजा आप लगाओ। बीच में जो आप सिंबल देखेंगे ना, वो दरअसल जो दर्शाता है वो ग्रेवयार्ड को दर्शाता है, यानी कि एक तरीके से कब्रिस्तान को दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये इनके जो मकबरे हैं ओरिजिनल, जो इनकी कब्र है उस पे जाने का रास्ता है। तो इनका जो शासन काल था वो मात्र 5 साल का था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली 7 शहरों से मिलकर के बना है, जिसमें कि जो आज हम जगह आप लोगों को दिखाने वाले हैं वो दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरे नंबर पे आती है, जिसे तुगलकाबाद कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो बताने की कोशिश करूंगा और पूरा उसे एक्सप्लोर करूंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को उसका रूट बता देता हूँ, कैसे आप आ सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो यहाँ पे दोस्तों नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपको तुगलकाबाद ही पड़ेगा, लेकिन बाय बस आएंगे आप तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तरफ ही जाता है, और इस साइड में आप लोगों को दिखाऊं। और दोस्तों ये जो आप देखेंगे ये रास्ता पूरा, ये रास्ता तुगलकाबाद किला और ग्यासुद्दीन मकबरा, ये दोनों ज्वाइंट थे, लेकिन गवर्नमेंट का जो रोड जा रहा है बीच में से, उसके वजह से इसको पार्टीशन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे टिकट एक ही लगती है, आप वहां जो देख रहे हो टिकट काउंटर है, और ये टिकट आप तुगलकाबाद किले में भी घूम सकते हैं, साथ ही साथ ग्यासुद्दीन के मकबरे में भी घूम सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ ग्यासुद्दीन का मकबरा दिखाऊंगा, और जो तुगलकाबाद किला है वो किसी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और दोस्तों आप जो टिकट का प्राइस होने वाला है वो होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है दोस्तों 25 रुपीज, एंड ऑनलाइन होने वाला है 20 रुपीज। तो ये था टिकट प्राइस। बाकी चलिए अंदर, और आज की इस वीडियो में आप लोगों को ग्यासुद्दीन तुगलक के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, आइए दोस्तों। तो ये रास्ता है ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तरफ जाने का, ये जो है रास्ता दोस्तों तुगलकाबाद किले के लिए जाता था सीधा। तो अभी चल रहे हैं दोस्तों हम ग्यासुद्दीन तुगलक के तरफ। तो दोस्तों जिस चबूतरे पे ये बना हुआ है उस पर हम आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे काफी थोड़ा अंधेरा टाइप है। तो दोस्तों ये रास्ता चढ़ करके हम आए हैं, क्योंकि ये जो टॉम है ये चबूतरे पे बनी हुई है। तो भाई इसके दरवाजों की जो डिजाइन आप देखेंगे, इस तरीके की जो डिजाइन हुआ करती है, इसे थोड़ा हाथी शेप बोला जाता है। और जो आप लोगों को लोधी वंश में देखने के लिए मिलेगी, उसके नीचे कुछ अलग तरह की चीजें लगाई जाती थी। तो अभी चल रहे हैं भाई अंदर, देखेंगे आप ये मकबरा है, और मैं आप लोगों को इसका फुल व्यू दिखाता। तो दोस्तों यहाँ से ग्यासुद्दीन तुगलक का पूरा फुल व्यू देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब हम ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे के पास आ चुके हैं, और ये मकबरा दोस्तों एक चबूतरे पे बना हुआ है, और बताया जाता है कि उस टाइम पे इसके चारों ओर पानी हुआ करता था, इसी के कारण इसको एक चबूतरे पे बनाया गया। और दोस्तों जो ग्यासुद्दीन तुगलक था, उन्होंने मंगोलों को 29 बार खदेड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी ने तो खदेड़ा ही था, साथ ही साथ ग्यासुद्दीन तुगलक ने 29 बार उन्हें खदेड़ा था। दोस्तों इनका जो शासन काल था वो मात्र 5 साल का था, 5 साल तक रहा, और उसके पीछे भी एक कारण है कि उनका शासन काल सिर्फ 5 साल तक ही क्यों रहा, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। और दोस्तों अभी हम इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, इसकी जो बनावट है वो सारी चीजें आप लोगों को दिखाएंगे, और साथ ही साथ आप इसके जो डोम पर नजर मारेंगे देखेंगे कि आप ये व्हाइट संगमरमर का इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर का, और जो कि ताजमहल व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है, तो वो वही पत्थर है। और आप ये जो देखेंगे इसकी जो बनावट देखेंगे आप, काफी ही खूबसूरत लग रही है। व्हाइट संगमरमर एंड रेड स्टोन का इसमें लाल वालों पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इसके जो दरवाजा है ये देखेंगे आप, यहाँ पे ये बना रखा है दो, और बीच में जो आप सिंबल देखेंगे ना, वो दरअसल जो दर्शाता है वो ग्रेवयार्ड को दर्शाता है, यानी कि एक तरीके से कब्रिस्तान को दर्शाता है। बीच वाला जो सिंबल है ये, इसके अंदर जो छोटा सा देखेंगे ना आप सिंबल है जो सर्कल टाइप में, उसे ही ग्रेवयार्ड का सिंबल कहा जाता है। बाकी ये डिजाइन देखिए आप, एक तरीके से बना रखी है, मेहंदी की लाइन में इसको कंगूरे टाइप कहा जाता है। तो ये देखेंगे आप, ये कलश टाइप का बना रखा है, कलश जिसे कहा जाता है, उसकी डिजाइन है पूरी। ये देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही तरफ इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। बेसिकली चौखट देखिए आप किस तरह की बनाई गई है। तो दोस्तों आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं पूरी एक बाउंड्री टाइप देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, तो इसके भी एक अलग ही कहानी है। इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके आप चारों तरफ देखेंगे कि इसी तरीके के बने हुए हैं,
और देखेंगे आप, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। आइए अंदर। तो अब हम इसके अंदर आ चुके हैं, जो मेन इसके अंदर लाने का जो कारण है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये एक पूरा जो होल देख रहे हैं, ये वेंटिलेटर का भी काम करता था, और साथ ही साथ दोस्तों ये सेना जो होती थी, सेनापति इसमें से आक्रमण जो कोई करता था उसके लिए सेफ्टी के लिए होती थी ये दीवारें, और साथ ही साथ यहाँ से वो बार करते थे, उल्टा तीरों की बरसात यहीं से हुआ करती थी जब युद्ध हुआ करता था दोस्तों। तो उस इसी चीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम मेनली चल रहे हैं दोस्तों आगे की तरफ, और वहाँ पे देखेंगे कुछ एक डिफरेंट तरह की चीज बना रखी है, तो इसको देखेंगे हम क्या है ये। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए काफी अच्छी डिजाइन बना रखी है इसमें। और अभी मैं जिस जगह के पास आ चुका हूँ, यहाँ से देखेंगे आप, ये एक खंडर टाइप है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप यहाँ पर जब आए तो अकेले ना आए, किसी के साथ आए, जिससे कि आप लोगों को डर ना लगे। वैसे कि देखा जाए यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई भी किसी तरह की कोई छीना चपटी या चोरी वारी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी जरूरी होती है। यहाँ से देखिए भाई, ये तो एक टेढ़ी तरीके से बना रखा है, जैसा कि जाली देखेंगे आप, ये भी अच्छी लग रही है। तो यहाँ से देखेंगे डोम दिख रही है, तो ये देखेंगे दोस्तों इसकी कटिंग देखिए आप, शेप देखिए एकदम, मतलब इतनी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा भाई। दीवार देखेंगे आप काफी अच्छी है, ये देखेंगे आप शेप, ये काफी अच्छी है। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें आज के टाइम का प्लास्टर यूज किया गया है, ये देखिए अभी, क्योंकि ये शायद झड़ रही होगी या टूट रही होगी, तो ASI के द्वारा किया गया होगा रिपेयर इसे। बाकी ये पीपल का पेड़ इसमें से निकल रहा है भाई। तो मेनली दोस्तों कुछ नहीं है इसमें, दीवारें वगैरह ही हैं, और बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे अंदाजा लगाया जाता है या बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसके चारों ओर पानी बहा करता था, वो मैं आप लोगों को चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए भाई, पूरी नहर वाला रास्ता है एक तरीके से। और दोस्तों एक ये डोम है, इसके भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पानी वगैरह की भी सुविधा है भाई, पीने का पानी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये देखेंगे छोटा सा डोम है, और इसके अंदर भी शायद कब्र है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉम ऑफ जफर खान। तो दोस्तों जिस जगह मैं बैठा हूँ अभी, मेरे पीछे जो है वो है जफर खान टॉम। और दोस्तों जो जफर खान थे वो उस समय दिल्ली सल्तनत के जो ग्यासुद्दीन तुगलक की जो सल्तनत चल रही थी उसके जनरल गवर्नर थे, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए कि वह ग्यासुद्दीन तुगलक के राइट हैंड थे। तो दोस्तों वो एक लड़ाई में शहीद हो गए थे, और उसके बाद में ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपने मकबरे बनाने से पहले उनका मकबरा दोस्तों बना दिया था। तो दोस्तों इसके अंदर उनकी कब्र है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये टॉम ऑफ जफर खान है, जो कि ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, फर्स्ट स्ट्रक्चर था इस पूरे कॉम्प्लेक्स का। तो दोस्तों ये जो देखेंगे आप, हम इस तरफ से आए थे, और यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो है ये जफर खान की टॉम है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ करके जा सकते हैं। और इसका जो रास्ता है दोस्तों जाने का, यहाँ से देखेंगे आप शुरुआत में ही इसकी दीवारों पे आयतें लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कुरान की आयत लिखी हुई है, और ये देखिए दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जफर खान के टॉम की तरफ। और भाई यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दो कब्र देखने के लिए मिलेंगे, बीच में है शायद जो कि जफर खान की है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये कोई आइडिया नहीं है किसकी है। बाकी इसके डिजाइनिंग देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम करने की कोशिश करूंगा, शायद ये कलमा लिखा हुआ है दोस्तों। बाकी कंडीशन ऑल ओवर इसकी थोड़ा ठीक ठाक है, ज़्यादा ही कहेंगे कि हम ज़्यादा भी अच्छे हैं तो ऐसा भी नहीं है, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। दोस्तों अब हम इसके अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे के अंदर आ चुके हैं, और आप ये देखेंगे कि इसके अंदर डोम देखिए आप, काफ़ी हैवी डोम है दोस्तों। और ये देखिए जालीदार ये बना हुआ है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत। और साथ ही साथ ये देखेंगे सामने, एक तरीके से देखा जाए तो ये काबे की डायरेक्शन को दर्शाती हैं, ये चीज़ें सेंटर में बनाई जाती हैं इसीलिए, बहुत ही बढ़िया। इसकी भी आप डिज़ाइनिंग देखेंगे तो काफ़ी ही खूबसूरत है, ये देखिए भाई, ये भी आपका वाइट संगमरमर से ही बनी हुई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हुआ चलूँ इसके अंदर, जैसा कि आप देखेंगे कि
बाहर इसकी खूबसूरती में बहुत चार चांद लगाए गए हैं। अगर अंदर से भी इसकी सफाई कर दी जाए तो ये काफी दिन तक सरवाइव कर सकती है। तो दोस्तों अब मैं ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे के अंदर आ चुका हूँ, और आप जब उसके मकबरे के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन कब्र है। जो सेंटर दिया जाता है दोस्तों, वो पहले जो मरता है उसको दिया जाता है, तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये ग्यासुद्दीन तुगलक की कब्र है। देन ये उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र है, और वो उनकी बेगम की कब्र है ग्यासुद्दीन तुगलक की। और अब मैं आप लोगों को ग्यासुद्दीन तुगलक से जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो बताता हूँ, आइए। तो दोस्तों ग्यासुद्दीन तुगलक का 5 साल का शासनकाल रहा, और उस शासनकाल में उन्होंने यहाँ की जो एक तरीके से देखा जाए इकोनॉमी एंड फाइनेंशियली इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एरिया को उन्होंने क्या कार्य किए। पिछली जो सल्तनत थी उन्होंने जो लोगों के खेतों को हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था, उनसे जो लगान वसूला करते थे वो ग्यासुद्दीन तुगलक ने ख़त्म कर दी थी दोस्तों। उन्होंने उनके खेत उन्हें वापस कर दिए थे, बोला था कि फसल करो और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें जिससे कि आप आने वाली जनरेशन के लिए चीज़ें बढ़ती रहे। और दोस्तों उन्हें उनके खेत वापस कर दिए, और उसके बाद में क्योंकि आपको पता है कि खेती के लिए आपको पता है कि पानी की सिंचाई की ज़रूरत होती है, तो उसने नहर का प्रबंध करवाया इस जगह पर, क्योंकि ये पहाड़ी पर है, यहाँ पे आज भी पानी की समस्या है तुगलकाबाद के अंदर। अगर आप तुगलकाबाद से हैं तो मेरी बात से सहमत होंगे कि आज भी यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो उस टाइम पर ग्यासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पर कुएँ खुदवाए, साथ ही साथ नहर का प्रबंध करवाया जिससे कि यहाँ पर खेतों में सिंचाई हो सके और जो फाइनेंशली लोग स्ट्रांग हो सके। ग्यासुद्दीन तुगलक ने उसके लिए नहर एवं कुओं का इंतजाम करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को भगाया था, और उसके बाद में जो ग्यासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने भी मंगोलों को 29 बार भगाया था दोस्तों। यहाँ से काफ़ी क्रूरता के साथ में उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी जो रूल्स अपनाता था उसके उदारवाद रूल अपना करके उन्होंने 29 बार यहाँ से खदेड़ा। और 1305 में बताया जाता है कि मंगोलों को अमरोहा से खदेड़ा था बहुत ही बुरी तरीके से। और दोस्तों जो ग्यासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है वो एक रहस्यमय मृत्यु इतिहासकारों के द्वारा बताई जाती है, लेकिन उन इतिहासकारों के द्वारा दो चीजें बताई गई हैं जो कि आज की इस वीडियो में आप लोग को एक पूरी बताऊंगा और एक जो है उस इतिहास वो अधूरा रह जाएगा। वो अधूरा इसलिए रह जाएगा क्योंकि वो जो इतिहास है वो तुगलकाबाद किले से रिलेट करता है, तो वो मैं आप लोगों को इतिहास उस किले के अंदर जाकर के ही बताऊंगा। और अब आते हैं उनकी डेथ के बारे में बताता हूँ। तो उनकी जो डेथ है दोस्तों, तो जब वो बंगाल से युद्ध कर वापस लौट रहे थे तो वो दिल्ली में किसी जगह पर रुके थे, और उसके बाद में वहाँ पर वो जिस जगह पर आराम कर रहे थे वहाँ पर लकड़ी का घर बना हुआ था, तो वो लकड़ी का घर गिर गया था उनके ऊपर, उसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें भी एक कहानी है। वो कहानी यह है कि बताया जाता है कि जो हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं उनके बीच और ग्यासुद्दीन तुगलक के बीच एक बात को लेकर के कहा सुनी हो गई थी, और वो बात जो है वो मैं आप लोग को उस किले के अंदर ही जा करके बताऊं, क्योंकि वो उससे रिलेट करती है। क्योंकि बताया जाता है कि वो बंजर क्यों हुआ, क्यों वो तबाह हो गया, 5 सालों के अंदर क्यों नहीं बन पाया, ऐसा क्या कारण था। तो वो जो कारण था वो मैं आप लोगों को उस किले के अंदर बताऊंगा। और उन बताया जाता है कि जो उनकी मृत्यु है उनके बेटे ने साजिश की थी, और वो साजिश का कारण क्या था ये भी उस किले के अंदर बताएंगे। तो दो चीज़ें मैं आप आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए छोड़ कर के जा रहा हूँ, ये दो बातें मैं उस किले के अंदर बताऊँगा। तो दोस्तों ये था ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे का इतिहास। तो दोस्तों ये था ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे का ब्लॉग। आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों को ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बारे में जानने को मिला होगा, और उससे जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो भी जानने के लिए मिला होगा। और बाकी का जो इतिहास है वो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं तुगलकाबाद किले के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्टेंट लेकर के आता रहता हूँ, और मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं जो हिडन है छुपी हुई हैं वो सबसे पहले आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ, उनकी हिस्ट्री बताऊँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। Yeah!